Hello friends, welcome to Divyaba Creativity Zone. Thank you so much for all of your support and love. इस वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ कि सब्जियों को खरीदते समय हमें क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए, अच्छी सब्जियाँ हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सी सब्जी कैसी है, और साथ में मैं सब्जियों को स्टोर करना बताऊँगी कि लंबे समय तक सब्जियाँ कैसे फ्रेश रहती हैं। सबसे पहले जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हर सब्जी में पड़ती है वो है आलू और प्याज। तो जब भी हम आलू प्याज खरीदते हैं उसकी क्वांटिटी ज़्यादा रखनी चाहिए। प्याज और आलू ज़्यादा समय तक फ्रेश रहता है तो इसको हम ज़्यादा खरीदते हैं। चूँकि ठंडियों का सीज़न चल रहा है तो इस समय मार्केट में बहुत सारी ग्रीन वेजिटेबल अवेलेबल रहती हैं और जो बहुत फ्रेश लगती हैं। सबसे पहले टिप ये है कि जो सब्ज़ी फ्रेश लग रही होगी एकदम वही खरीदनी चाहिए। सिंघाड़े का सीज़न चल रहा है तो सिंघाड़ा खरीदते समय हमेशा ग्रीन सिंघाड़ा ही खरीदना चाहिए जो थोड़े ज़्यादा समय तक फ्रेश रहता है। ये कुछ सब्जियां हैं जो हमने परचेज़ की हैं, जैसे आलू है, प्याज है, टमाटर है, बैंगन है, गोभी है, शिमला मिर्च है, गाजर है, नींबू है, हरी धनिया है, परवल है, अदरक है। तो ये सारी सब्जियां हैं और मैं इनको खरीदने की टिप्स बताने जा रही हूँ आपको। जैसा कि मैंने बताया, प्याज और आलू थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदते हैं। ये देखिए, ये नई प्याज आ गई है मार्केट में जो थोड़ी रेडिश होती है, थोड़ा जिसका कलर डार्क होता है, और ये पुरानी प्याज है। तो जो नई प्याज होती है वो ज़्यादा दिन तक नहीं टिकती है, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि या तो उसे जल्दी ख़त्म कर देना चाहिए, और ये जब भी लहसुन खरीदें ये पूरा का पूरा लहसुन खरीदना चाहिए इस तरह से, और उसकी कलियाँ थोड़ी मोटी होनी चाहिए। आलू आजकल बहुत मीठी आ रही है तो आप शुगर फ्री आलू ले सकते हैं, या जो आलू थोड़ा सा अंडाकार होती है वो शुगर उसमें कम होता है, वो मीठी कम होती है, या उसके अलावा आप ये इस तरह की आलू ले सकते हैं, ये शुगर फ्री आलू होती है तो ये ज़रा भी मीठी नहीं होती है, और इसका रेट थोड़ा सा ज़्यादा होता है नॉर्मल आलू के रेट से, तो इसको हम ज़्यादा क्वांटिटी में रखते हैं। फिर ये टमाटर ख़रीदना, इसमें टमाटर बहुत महंगे हो गए हैं तो कुछ टमाटर रेड खरीदने चाहिए और थोड़े और कुछ कम रेड खरीदनी चाहिए। तो जब भी हम टमाटर यूज़ करेंगे तो रेड वाले जल्दी यूज़ करेंगे अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में टमाटर ख़रीद रहे हैं तो। ये देखिए, और टमाटर को ख़रीदते समय थोड़ा सा उसको प्रेस करके देखना चाहिए कि वो अगर ज़्यादा दब रहा है तो मतलब उसे नहीं ख़रीदना चाहिए। ये देखिए इस तरह से, और ये गोभी है, गोभी हमेशा गठी हुई होनी चाहिए तो इसमें कीड़े होने के चांसेस कम रहते हैं, और वैसे भी जब आप गोभी बनाएं तो उसको गर्म पानी में थोड़ा देर तक रखना चाहिए तो जो कीड़े होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। बैंगन खरीदते समय हमेशा बैंगन को हाथ में थोड़ा सा उछाल के देखना चाहिए, अगर बैंगन का वेट कम है तो उसमें बीज कम होते हैं, तो थोड़े जो लाइट वेट वाले बैंगन होते हैं उसमें बीज कम होते हैं, और जो थोड़े भारी होते हैं उसमें बीज ज़्यादा होते हैं। इसी तरह शिमला मिर्च खरीदते समय उसके ऊपर वाले और नीचे के पोर्शन में हम चेक करते हैं, वहाँ पे ज़रा भी थोड़ा सा भी प्रेस करने पे अगर वो दब जा रहा है तो वो अच्छा नहीं होता है। तो ये देखिए, ये जितना टाइट होता है उतना ही अच्छा होता है। इसी तरह गाजर है, ये देखिए ये गाजर है, फ्रेश गाजर अलग से समझ में आता है। तो ये देखिए, और ये देखिए, मैं अभी एक ख़राब गाजर भी दिखा रही हूँ, तो इस तरह का है, थोड़ा सा कहीं कहीं डार्क हो जाता है, आप उसको प्रेस करेंगे आसानी से कट जा रहा है, तो ये उस टाइप के गाजर नहीं ख़रीदने चाहिए। ये देखिए, और इस तरह नींबू है, नींबू खरीदते समय जो बहुत ज़्यादा ग्रीन नींबू होते हैं उसमें रस कम होता है, ये येलो नींबू जो होते हैं उसमें रस ज़्यादा होता है, और नींबू खरीदते समय हम थोड़ा सा प्रेस करके देखेंगे हाथ से तो अगर वो दब रहा है तो वो नींबू रसीले होते हैं। और इसी तरह परवल है, परवल भी अगर आपका वेट में ज़्यादा चढ़ रहा है आप हाथ से उठा के देखेंगे, जो लाइट वेट परवल होता है वो अच्छा होता है, उसमें बीज कम होता है। ये देखिए, ये परवल है, लाइट वेट परवल है तो इसमें बीज कम है,
और येलो परवल नहीं लेने चाहिए। और इस तरह अदरक जब भी खरीदें उसको एक बार बीच से तोड़ के देखना चाहिए, तो क्योंकि बाहर से कभी फ्रेश लगते हैं बट अंदर से अदरक अंदर से ख़राब होती है अदरक, तो बाहर से फ्रेश लगती है, तो आप इस तरह से तोड़ के एक बार चेक कर लीजिए तो अंदर से आपको समझ में आ जाएगा कि अदरक हमारी अच्छी है कि नहीं। क्योंकि अगर अदरक अच्छी नहीं हो तो आप अगर चाय में भी डालेंगे तो चाय का टेस्ट भी ख़राब हो जाता है। तो इस तरह से हम अदरक चेक करेंगे। कभी कभी अदरक के अंदर कीड़े भी होते हैं, ये देखिए, जैसे ये देखिए ये ख़राब है थोड़ी सी अदरक, अंदर से आपको समझ में आ रही होगी। तो अदरक में भी कीड़े होते हैं, तो इसलिए अदरक को तोड़ के ज़रूर चेक करना चाहिए। और ये हरी मिर्च है, बहुत मोटी और बीज वाली हरी मिर्च नहीं लेनी चाहिए क्योंकि वो नुकसान करती है, उसका बीज जो है वो नुकसान करता है। धनिया हमेशा देसी धनिया खरीदनी चाहिए जो छोटे साइज़ की होती हैं, तो वो अच्छी महकती भी हैं और अच्छी भी होती हैं। ये देखिए मिर्ची को, ये देखिए मिर्ची को पन्नी में रखना चाहिए और उसके ऊपर की जो डंठी है उसको हमेशा तोड़ के रखना चाहिए, तो मिर्ची जो है वो ज़्यादा दिन तक फ्रेश रहती है। आप इसको पन्नी में पैक करके भी रख सकते हैं फ्रिज में, या आप उसके लिए कोई एयर टाइट डिब्बा भी यूज़ कर सकते हैं या कंटेनर यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से इसकी जो ढेपी होती है उसको बोलते हैं, उसको तोड़ के रखना चाहिए। पालक को खरीदते समय हमेशा छोटी साइज़ की पालक को खरीदना चाहिए, पत्तियों को खरीदना चाहिए, तो वो ज़्यादा अच्छी होती हैं। अगर आप नेनुआ खरीद रहे हैं तो नेनुआ बहुत ज़्यादा मोटा नहीं खरीदना चाहिए, उसमें बीज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, और थोड़ा लाइट वेट नेनुआ खरीदना चाहिए तो वो अच्छा होता है। लौकी का जो छिलका होता है अगर वो हार्ड है तो लौकी में बीज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो लौकी खरीदते समय ये ध्यान देना चाहिए। वो भी इस तरह से पन्नी में पैक करना चाहिए, पर उसके पहले धनिया को अच्छी तरह से सुखा लेना चाहिए, उसमें पानी ज़रा भी नहीं लगा होना चाहिए, नहीं तो वो ख़राब हो जाएगी। आलू प्याज को हम ऐसे ही रखेंगे खुला, क्योंकि उसको अगर हम पैक करके रखेंगे तो वो ख़राब होने के चांसेस रहते हैं, तो चूंकि ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदते हैं तो, लेकिन बट आलू और प्याज को अलग अलग रखना चाहिए, और आप लहसुन को भी अलग रख सकते हैं तो वो ख़राब नहीं होता। फिर मैं फ्रिज का मैंने कंटेनर निकाल लिया है और इसमें मैं सब्ज़ियाँ रखने जा रही हूँ, तो इसमें सबसे पहले ये मैं शिमला मिर्च रख रही हूँ। तो आप इसको पन्नी में अगर पैक करके रखेंगे इस तरह से तो वो ज़्यादा दिन तक सेफ रहती है, बट फ्रिज में जब भी सब्जियाँ रखें हमेशा सब्जियों में पानी नहीं लगाना चाहिए, थोड़ा सा सुखा के रखना चाहिए। गोभी की जो पीछे की डंठी है उसको निकाल के तोड़ के रखना चाहिए इस तरह से। नींबू को भी आप पन्नी में रखेंगे तो वो ज़्यादा दिन तक फ्रेश रहता है। मार्केट में एयरटाइट पन्नियाँ भी आती हैं तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, बट वो अलग से ख़रीदने के लिए जाना पड़ेगा। तो घर में जो भी पन्नी अवेलेबल है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। धनिया को आप न्यूज़पेपर में भी लपेट के रख सकते हैं। टमाटर को मैंने ऐसे ही रखा है क्योंकि ये अभी पैक हो जाएगा चूँकि फ्रिज का कंटेनर, या आप टमाटर को अलग से आप उसके लिए बास्केट यूज़ कर सकते हैं टमाटर के लिए अलग। ये देखिए इस तरह से मैंने धनिया रख दी यहाँ पे। और ये देखिए ये परवल को भी मैंने पन्नी में पैक करके रख दिया है। बट जब भी सब्जियां खरीदने बहुत ज़्यादा नहीं खरीदनी चाहिए क्योंकि वो मार्केट में ही ऐसे ही मार्केट में भी आने में उसको काफ़ी टाइम लग जाता है, और फिर हम उसको रख भी देते हैं तो वो थोड़ी पुरानी हो जाती हैं। तो थोड़ी सब्जियां खरीदनी चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि हर दूसरे तीसरे दिन सब्जी आप जो हरी सब्जियाँ हैं वो ख़रीद के खाएँ। मार्केट में बहुत सारी सब्जियाँ अवेलेबल रहती हैं, तो ये देखिए, तो जब भी सब्जी खरीदते हैं तो हमेशा फ्रेश सब्जियां खरीदनी चाहिए। और आजकल की सब्जियों में ऊपर केमिकल्स होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो हमेशा सब्जियों को छील के ही खाना चाहिए। वो ज़माना गया कि हम कहते थे कि छिलका नहीं उतारना है। मार्केट में बहुत सारी हरी सब्जियां होती हैं, जैसे बथुआ है, पालक है, चने का साग है, उन सब के गट्ठल टाइप के आते हैं रबड़ लगा के, तो हमेशा अंदर से चेक करना चाहिए क्योंकि कभी कभी बाहर जो है पत्ते अच्छे रहते हैं, अंदर कुछ गले होते हैं, तो वो ज़रूर चेक करना चाहिए।
ये सब्जियों को खरीदने और स्टोर करने के कुछ टिप्स। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।